को पारंपरिक बैगा पगड़ी पहना करके उनका जोरदार तालियों से आज स्वागत करें। विशेष परिधान है जो विशेष अवसरों पर धारण कराया जाता है, प्रदेश के मुखिया प्रदेश का गौरव है। और उसी क्रम में गुदुम जैकेट या गुदुम कोटी, जो गुदुम बाजा नृत्य आपने अभी देखा उसका एक विशेष नर्तन परिधान ये है। और विशेष अवसरों पर मुख्यमंत्री जी को गुदुम जैकेट और साथ ही वीरन माला। और स्वागत हम कर रहे हैं बीजापुरी काष्ठ शिल्प आकृति। पारंपरिक बैगा पगड़ी वीरन माला गुदुम जैकेट के साथ ही उनको भेंट है। बीजापुरी काष्ठ शिल्प माँ नर्मदा मैया की नगरी में आके माँ नर्मदा पे बनी हुई ये अनुपम बीजापुरी काष्ठ की शिल्पाकृति उनको भेंट है। और साथ ही उनको भेंट है गोणी चित्रकारी और साथ ही अमरकंटक की स्मृति की टोकरी हम उनको भेंट कर रहे हैं। माँ नर्मदा की बीजापुरी काष्ठ शिल्प, मैं आपको बता दूं ये पुष्पराजगढ़ के स्थानीय प्रतिभाशाली शिल्पकारों के द्वारा बनाया गया। साथ ही प्रसिद्ध गोंडी चित्रकारी इनको भेंट की जा रही है जो कि स्थानीय चित्रकारों के द्वारा मात्र रेखाओं और बिंदुओं के अद्भुत समन्वय से उकेरी गई है। प्रकृति संबंधी चित्रकारी इसकी विशेष विशेषता है। इसके साथ ही हम भेंट करते हैं अमरकंटक की स्मृति की टोकरी जिसमें मां नर्मदा का उद्गम जल, अमरकंटक कोदो, मां नर्मदा मैया का भोग प्रसाद, अमरकंटक संजीवनी गुलबकावली अर्क शुद्ध शहद और मां नर्मदा मैया के मंदिर में चढ़ने वाले श्रीफल नारियल के लड्डू स्मृति यों से भरी अमरकंटक की ये टोकरी उनको भेंट है। और माननीय कलेक्टर महोदय श्री चंद्रमोहन ठाकुर जी सादर आमंत्रित हैं कि वो भी कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। कलेक्टर श्री चंद्रमोहन ठाकुर जी के द्वारा स्वागत किया गया। और अमरकंटक नर्मदा महोत्सव 2020 कार्यक्रम के विस्तृत रूपरेखा की विवरण पुस्तिका और विकास की राह पर अनूपपुर का एक वर्ष की जानकारी पुस्तिका को भेंट कर रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय। और इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रदीप जायसवाल जी मंत्री। माननीय प्रभारी मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग से अनुरोध है कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने कष्ट करेंगे। स्वागत के क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अनुरोध कर रहे हैं प्रभारी मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल जी से कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी का आदिवासी परंपरा के अनुसार स्वागत करने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में अनुरोध करूंगा मैं माननीय श्री बिसाहू लाल सिंह जी विधायक विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर से कि वह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। बीरन माला से माननीय बिसाहू लाल सिंह जी विधायक विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और इस क्रम में मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री सुनील सराफ जी विधायक विधानसभा क्षेत्र कोतमा से कि वह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। माननीय श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी से भी अनुरोध है कि वह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और उसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा पुनः श्री फुंदेलाल सिंह जी विधायक विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ से कि माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश तथा सांसद राज्यसभा एवं उनकी धर्मपत्नी जी का माल्यार्पण करने का कष्ट करें और स्वागत करें। इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय बिसाहू लाल सिंह जी से विधायक
विधानसभा अध्यक्ष श्री एनपी प्रजापति जी के स्वागत के लिए मैं पुनः श्री बिसाहूलाल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री एनपी प्रजापति जी का स्वागत करने का कष्ट करें। संतोष पांडे जी, आपसे अनुरोध है कि सभी अतिथियों का वीरन माला से स्वागत कर लेंगे। इसी क्रम में सभी का स्वागत के लिए मैं संतोष पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय बिसाहूलाल सिंह जी, माननीय फुंदेलाल सिंह जी, माननीय मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल जी, माननीय प्रदीप जायसवाल जी, माननीय आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री ओमकार सिंह जी मरकाम एवं सभी उपस्थित जनों का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। सभी माननीय अतिथियों का अतिथि माननीय नारायण पट्टा जी के स्वागत के लिए मैं संतोष पांडे जी से अनुरोध करूंगा, कृपया बीरन माला से माननीय विधायक बिछिया पट्टा जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रूपमती सिंह जी से जी का स्वागत भी मैं संतोष पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि बीरन माला से करने का कष्ट करें। आदिवासी परंपरा से अतिथियों का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। माननीय फुंदेलाल जी के स्वागत के लिए भी मैं अनुरोध करूंगा संतोष पांडे जी से, और माननीय सुनील सराफ जी का भी स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा सुनील पांडे जी से। मैं अनुरोध करूंगा माननीय कलेक्टर महोदय से कि अमरकंटक नर्मदा महोत्सव 2020 आयोजन तथा जिले में एक वर्ष के विकास उपलब्धि पर आधारित प्रतिवेदन का वाचन करने का कष्ट करें आदरणीय कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद राज्यसभा श्रीमती अमृता सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री एनपी प्रजापति जी, जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल जी, जनजातीय कार्य विभाग मंत्री श्री ओंकार सिंह मरकाम जी, पंचायत मंत्री श्री कमलेश्वर,